जम के बैठी है। उन्नाव के निराला प्रेक्षागृह में चंडीगढ़ के जादूगर जय कुमार अपनी तकरीबन 100 सदस्यीय टीम के साथ शहर में मौजूद हैं। प्रेस वार्ता करते हुए जादूगर जय कुमार ने बताया कि 16 सितंबर से प्रतिदिन 2 शो दिखाए जाएंगे। उन्होंने मीडिया को यह भी जानकारी दी कि उनके प्रदर्शन में स्वास्थ्य, पारिवारिक मनोरंजन, सामाजिक बुराइयों और अन्य अंधविश्वासों के प्रति जागरूक करने वाले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता, पर्यावरण, जल संरक्षण के संदेश देने वाले कार्यक्रम होंगे। जादू का मुख्य आकर्षण जादूगर का हेलीकॉप्टर होगा, जिसमें कि जादूगर हेलीकॉप्टर से मंच पर आकर अपने जादू के शो में दर्शकों को अचंभित करेंगे। शनिवार एवं अवकाश के दिन 3 शो का आयोजन किया जाएगा। जय कुमार अपनी कला के दम पर तकरीबन 17,799 शो कर चुके हैं। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। दो शो हम लोग करेंगे यहाँ पे। पहला शो दोपहर को 1 बजे रहेगा, शाम को दूसरा शो 7 बजे रहा करेगा, और रविवार वाले दिन खास तौर पे 3 शो रखे गए हैं। पहला शो 1 बजे होगा, दूसरा 4 बजे होगा, फिर शाम को 7 बजे शो चलेंगे। और विशेष तौर पे एक शो हमने और स्पेशल शो रखा है जो स्कूल्स के लिए किया जाएगा, जो सवेरे उसका टाइम जो है वो एज पर वैसे तो स्कूल के साथ डिस्कस करके बनाया जाएगा, अदरवाइज हमने उसको डिसाइड किया कि अपन 9 बजे उसको शो को रखेंगे, 9 से 11 बजे का टाइम स्कूल के बच्चों को रहेगा कंसेशनल प्राइस के साथ अलग से। वो थोड़ा सा हमने शो को हटाया भी है उसमें, वो थोड़ा सा एजुकेशनल टच के साथ उस शो को प्रेजेंट करेंगे, जिसमें बच्चों को कई तरह की मतलब एंटरटेनमेंट के साथ साथ उनको थोड़ा सा हम अवेयर भी करें, सावधान भी करें और थोड़ी सी कुछ शिक्षा पर बातें भी उपस्थित कर दी, ऐसा विचार करके हमने इस शो को सर। बीच में कोरोना काल रहा, पूरी तरह से सारे शोज बंद कर दिए, कैसे कैसा समय रहा, क्योंकि फिर से नई शुरुआत करने जा रहा है। जी जी, देखिए वैसे तो कोरोना काल के बारे में हम बात करें तो सब लोगों ने उसको झेला है, बेहद सेंसिटिव समय था और शायद ज़िंदगी में दोबारा ऐसा ना हो, पर मुझे लगता है कई सदियों के बाद ऐसा सुनने में आया था कि 100 साल के बाद ऐसा होता है, तो 100 साल के बाद इस तरह का एक ये परिदृश्य सामने आया लोगों के और हमने फेस किया। और वैसे तो हम उसे अनलकी मान सकते हैं कि हम अनलकी थे कि हमने इस तरह के समय को अपने समय में देखा, पर मैं समझता हूँ जहाँ तक भींगे जादूगर होने के नाते या एक आर्टिस्ट होने के नाते जो मेरा नज़रिया है कि हमें ईश्वर ने समय दिया था कुछ रुक जाने के लिए। हम अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ में इतना भाग रहे थे, भागते भागते ईश्वर को भी लगा हुआ बच्चे यार थक गए, ऐसे तो रुकेंगे है नहीं, तो शायद उसने हमें रोकने के लिए एक प्रावधान बनाया। अगर हम उसको पॉजिटिव वे से लेते हैं, नेगेटिव वे से लेते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो हमने झेली है कलाकारों ने विशेष तौर पर, क्योंकि हमारा तो काम लोगों को समूह में इकट्ठा करना है, तो हमारा तो बिल्कुल ही बंद ही हुआ। तो डेफिनेटली हमारे साथ जुड़े हुए करीब हमारे ग्रुप में भी इस टाइम 50 परिवार हैं जो हमारे साथ होते हैं। 50 परिवार तो जो दिखते हैं जो काम कर रहे हैं, उसके साथ जो पोस्टर बना रहे होते हैं, जो फ्लैक्स छाप रहे होते हैं, जो खाना बनाने वाले वो लोग रहते हैं, इसके अलावा और जो कैंटीन चलाते हैं, जो साइकिल स्टैंड चलाते हैं, जिनकी बिल्डिंग हम रेंट पे लेते हैं, जिनके घर लेते हैं, तो इस तरह से एक सैकड़ों लोगों का एक समूह बन जाता है। तो सभी लोगों ने सिर्फ हमारे शो के कारण ही वो हिरासत हुए, पर हमने उसको पॉजिटिव भी थोड़ा यूँ